प्रिय साथियों, जय हिंद। साथियों, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है और यह जो है श्रीमान बंधु जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में प्रांतीय अध्यक्ष श्री परमानंद डहरिया जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। साथियों, ये जो है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर है। हमारे जो कर्मचारी है ये निरंतर जो है शासकीय सेवा में सेवारत है, शासन के लिए काम करते हैं और जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनका कोई सहारा नहीं है, तो ये जो बुढ़ापे का सहारा है उसके लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। साथियों, इसी तारतम्य में अभी हमारा जो है घंटी बजाओ अभियान चल रहा है ना, ये आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले में चलाया जा रहा है। इसमें सभी विभागों के, चाहे वो शिक्षक संघ हो, वन विभाग के कर्मचारी हो या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, सभी विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर हमारे जो जनप्रतिनिधि है, सांसद महोदय, विधायक महोदय ने उनके घर जाकर घंटी बजाकर जो है ये संदेश दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। साथियों, इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो है 1 अक्टूबर को महारैली का आयोजन किया गया है और इस महासम्मेलन, यह महासम्मेलन राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता श्री बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित होगा। तो साथियों, कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन हमारा हक भी है और अधिकार भी है। जब हम शासन में इतने समय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो शासन को भी, सरकार को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। साथियों, आज इसी तारतम्य में बैतूल में भी जो है सांसद महोदय के यहां घंटी बजाओ अभियान नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए चलाया गया। साथियों, 27 अगस्त को हमारी मध्य प्रदेश की जो भी सभी मातृशक्ति भोपाल में एक बड़ा रक्षाबंधन पर्व मनाने जा रही हैं और यह पर्व स्पेशली नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और इसके लिए जो है हमारी जो मातृशक्ति हैं वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को रक्षाबंधन के रूप में ये सौगात प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगी कि हमारे भविष्य की सुरक्षा को आप जो है बहाल कीजिए, अर्थात पुरानी पेंशन स्कीम पर आप ध्यान दीजिए, उसको लागू कराइए। साथ ही साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के वन कर्मचारियों ने भी प्रत्येक जिला स्तर पर अपनी जो लंबित मांगे थी उसको लेकर भी जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे। यह ज्ञापन हमारे राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पर है, ताकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी जल्द से जल्द बंद कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार करें और उनको लागू करें। जय हिंद साथी।